हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो। मेरा नाम है फिरोज पिंजारी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आज मैं आपको बताऊंगा टेबल टॉप वॉश बेसिन फिट कैसा करते हैं, पूरा बताऊंगा दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए। ये है हमारा बाथसेंस का टेबल टॉप वॉश बेसिन, और हमारा टेप भी बाथसेंस का है दोस्तों, और वेस्ट कपलिन भी बाथसेंस के हैं दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। ये हमारा बाथसेंस के हमको 10 साल की वारंटी मिलती है दोस्तों, इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। हम बताएंगे दोस्तों कैसा फिट करते हैं, आप पूरा देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट ना मत करना दोस्तों। ये हमारा एंगल कॉक एशियन पेंट्स कंपनी का है दोस्तों, और ये हमारा बना हुआ है काउंटर दोस्तों, ये टेबल बना हुआ है दोस्तों, इसके ऊपर ही हम टेबल टॉप वॉश बेसिन फिट करेंगे दोस्तों। ये गोल आकार का है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। इसकी लंबाई है दोस्तों 3 फीट और चौड़ाई है 20 इंच। देखिए दोस्तों, अब हम इसको मार्कर की मदद से हम उसके ऊपर निशान मार लगा लेंगे दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई की इसके ऊपर गोल निशान मार लेंगे दोस्तों। अब हम वेस्ट कपलिन की भी निशान मार लेंगे, ताकि हमारी हम छेद मारेंगे तो एकदम परफेक्टली आ सके, हमारी वेस्ट कपलिन किसी को ना नड़े। अब इसको हम बेसिंग को एक बार रख के देख लेंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बराबर सेंटर में। अब हम इसको चेक कर लेंगे, हमारा 18 इंच के ऊपर आ रहा है कि नहीं है सेंटर। अब हम टेप की भी निशान मार लेंगे, उसके अंदर से हमारा वेस्ट कनेक्शन ट्यूब जाएगा दोस्तों, और ये हमारी वेस्ट कपलिन जाएंगे दोस्तों। थोड़ा अलग तरीके का बेसिंग है दोस्तों बहुत। अब हम इसको छेद मारेंगे, पहले हम निशान गिरा लेंगे दोस्तों, ताकि डस्ट से हमारी निशान ना छुप पाए। ये हम कोर कटिंग बिट से हम इसको छेद मार रहे हैं, और इसको हम स्पंज द्वारा पानी से लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा छेद आया कि नहीं हम देख रहे हैं, उस पार हुआ कि नहीं। मिस्त्री ने काफ़ी उसके अंदर चौड़ाई बढ़ा दी है दोस्तों, उसके लिए हमको काफ़ी तकलीफ हुई छेद मारने के लिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा छेद आ चुका है आर पार, काफ़ी उसकी चौड़ाई है दोस्तों, 4 इंच की चौड़ाई है टेबल की दोस्तों। अब हम एक बार चेक कर लेंगे हमारी कनेक्शन ट्यूब आ रही कि नहीं आ रही है, हमारी एकदम ईजी आ गई, और हम वेस्ट कपलिन भी चेक कर लेंगे आ रहे कि नहीं हमारी, देख लिए एकदम ईजी आ रहा है। अब टेप को हम बेसिंग के ऊपर फिट करेंगे दोस्तों, इसको 24x27 का पाने से बॉक्स पाने से फिट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एकदम ईजी आसानी से फिट हो गया। बेसिंग को ऊपर से भी अच्छे से देखना कि ताकि एक तरफ ना हो जाए बेसिंग, कहीं पर गैप ना रहे, चारों तरफ से एक बार अच्छे से देख लेंगे कहीं गैप तो नहीं है। अब इसके बाद हम वेस्ट कपलिन को फिट करेंगे दोस्तों। वेस्ट कपलिन के ऊपर पहले हम सिलिकॉन लगा लेंगे, ताकि लीकेज की प्रॉब्लम कभी ना आ सके। सिलिकॉन काफ़ी अच्छा लगाएंगे एकदम गहराई से, कोई जगह छूट ना पाए। देखिए, अब हम बेसिंग के ऊपर इसको फिट करेंगे। एशियन पेंट्स कंपनी की वेस्ट कपलिंग है। अब हम इनसाइड भी लगा लेंगे सिलिकॉन। अब हम रबर की रिंग डालेंगे उसके ऊपर, उसका नट डालेंगे। अब हम इसको कस देंगे पॉपेट पानी द्वारा।
इसके बाद हम वेस्ट कनेक्शन ट्यूब लगाएंगे टेप के ऊपर, उसको अच्छे से टाइट कर देंगे और उसके ऊपर हम एमसील भर देंगे ताकि हमारा टेप इधर उधर ना घूम सके। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, हम फिट करके चल जाते हैं और टेप हमारा हिलते रहता है, काफ़ी गंदा दिखता है। अब हम टेबल टॉप के ऊपर भी सिलिकॉन लगा रहे हैं। बहुत आसान है फिट करना दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले हम कनेक्शन ट्यूब को डाल देंगे, उसके बाद हम वेस्ट कपलिंग को डालेंगे आराम से, आहिस्ता से। देखिए एकदम आहिस्ता डालेंगे, ये हमने डाल दिया है। अब हम उसको हम अच्छे से पुश करेंगे ताकि सिलिकॉन से काफ़ी अच्छे से चिपक जाए। काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों टेबल टॉप। अब हम उसका सेंटर गिन लेंगे, सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर से भी गिन लेंगे हम स्पिंडल पास से। अब सिलिकॉन को हम अच्छे से लगा देंगे, जहाँ पर गैप है, जहाँ पर सिलिकॉन नहीं लगा वहाँ पर हम सिलिकॉन भर देंगे, और जहाँ पर एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेंगे। इस प्रकार होता है दोस्तों टेबल टॉप वॉश बेसिन फिट। अब हम वेस्ट कपलिन लगाएंगे, कपलिन के ऊपर वेस्ट पाइप चढ़ाएंगे। वेस्ट पाइप को अच्छे से टाइट कर देंगे। अब कनेक्शन ट्यूब को बेंगल कॉक में अटैच कर देंगे। देखिए कितना आसान है फिट करना वॉश बेसिन दोस्तों। अब मैं आपको पानी चालू करके बताऊंगा दोस्तों, ये हमारा फिट हो चुका है। कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए अब हम आपको पानी चालू करके बताएंगे दोस्तों। ये देखिए पानी एकदम स्मूथ तरीके से आता है, बबल्स बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों।